हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं वो है, आपको इस वीडियो के माध्यम से आज पता लगेगा कि कोर्स एग्रीगेट क्या है और फाइन एग्रीगेट क्या है। तो चलिए गाइस, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखते हैं कि कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट क्या होता है। कोर्स एग्रीगेट को हिंदी में हम मोटा मिलावा कहते हैं और फाइन एग्रीगेट को हम जो है महीन मिलावा कहते हैं। तो गाइस, जब आप कंक्रीट बनाओगे या कंक्रीट के लिए कोई भी क्यूब बनाओगे तो वहाँ जो है आपको कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट को आपको पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप कंक्रीट बनाते हैं या फिर कोई कंस्ट्रक्शन साइट पर आप काम करते हैं तो वहाँ पर आपको कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट को पहचानना बहुत जरूरी है कि कोर्स एग्रीगेट क्या होता है और फाइन एग्रीगेट क्या होता है। तो गाइस, चलिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं कि महीन मिलावा और मोटा मिलावा क्या होता है। तो देखिए गाइस, आपको पहचानना कैसे है कि जो महीन मिलावा होगा, मतलब जो महीन मिलावा को आप फाइन एग्रीगेट कहते हैं, फाइन एग्रीगेट की जो पहचान होगी वो ये हमारी क्या है, ये सीव है, ये सीव है। इन सीव से जो है आपको पहचानना होगा कि फाइन एग्रीगेट क्या है और कोर्स एग्रीगेट क्या है। ठीक है गाइस, देखिए ये हमारी जो है 4.75 mm की सीव है, ये जो है वो 4.75 mm की सीव है और ये जो है वो हमारी 80 mm की सीव है। ठीक है गाइस, ये जो है वो 80 mm की सीव है और ये जो है वो 4.75 mm की सीव है। ठीक है गाइस, अब आपको फाइन एग्रीगेट के बारे में पता करना है कि फाइन एग्रीगेट क्या होता है। तो गाइस देखिए, फाइन एग्रीगेट जो होगा वो 4.75 mm सीव, ये जो सीव है इस 4.75 mm सीव से जो पास हो जाएगा, मतलब जब इसमें हम एग्रीगेट होगा, एग्रीगेट डालेंगे फिर इसको हम मूव करेंगे। ठीक है, मूव करने के बाद जो इससे पास हो जाएगा, जो 4.75 mm की सीव से जो एग्रीगेट हमारा पास हो गया और 75 माइक्रोन की सीव पर आकर रुक जाएगा। ठीक है गाइस, ध्यान से समझना कि ऐसा एग्रीगेट जो 4.75 mm की सीव से तो पास हो रहा है लेकिन 75 माइक्रोन की सीव पर आकर रुक रहा है, तो ऐसे एग्रीगेट को हम फाइन एग्रीगेट कहते हैं। ठीक है गाइस, और ये जो है, जो भी हम एग्रीगेट इसमें डालेंगे, करीब 90% एग्रीगेट का 90% जो भाग होगा वो हमारा 4.75 mm की सीव से पास हो जाना चाहिए। ठीक है गाइस, अब हमारा फाइन एग्रीगेट क्लियर हो गया। मैं एक बार और रिपीट कर देना चाहता हूँ कि फाइन एग्रीगेट क्या होगा। फाइन एग्रीगेट को महीन मिलावा कहते हैं। महीन मिलावा क्या होगा, जब हम 4.75 mm की सीव से जो भी हमारा एग्रीगेट है उसको पास कराते हैं, 4.75 mm की सीव से तो पास हो जाएगा लेकिन 75 माइक्रोन की सीव पे अगर आकर रुक जाएगा तो ऐसे मिलावे को हम क्या कहेंगे, फाइन एग्रीगेट कहेंगे। ठीक है गाइस, फाइन एग्रीगेट अब हमारा क्लियर हो गया। अब हमारा आता है कोर्स एग्रीगेट। तो गाइस, कोर्स एग्रीगेट के बारे में हम बताते हैं। देखिए, ये हमारी सीव है, ये कितने एमएम की सीव है, ये 80 एमएम की सीव है। ठीक है गाइस, ये देख लीजिए, ये हमारी 80 एमएम की सीव है। तो गाइस, जब ऐसा एग्रीगेट, इसमें हम जो भी एग्रीगेट डालेंगे, ठीक है, इसमें एग्रीगेट डालने के बाद इससे पास हो जाएगा लेकिन 4.75 एमएम की सीव पर आकर रुक जाएगा। ठीक है गाइस, मतलब जो भी एग्रीगेट होगा या जो हमारा मिलावा है, चाहे हम जब इसमें डालेंगे, हम इसमें 80 एमएम की सीव में जो एग्रीगेट होगा वो जब डाला जाता है तो इससे तो 80 एमएम की सीव से पास हो जाएगा लेकिन 4.75 एमएम की सीव पर आकर रुक जाएगा। इस पर जो रुका हुआ जो एग्रीगेट होगा उसको कहेंगे हम कोर्स एग्रीगेट, मतलब मोटा मिलावा। ठीक है गाइस, एक बार और रिपीट करते हैं, ऐसा मिलावा जो 80 एमएम की सीव से तो पास हो जाए लेकिन 4.75 mm की सीव पर आकर रुक जाए, ऐसे मिलावे को कोर्स एग्रीगेट कहते हैं, मतलब मोटा मिलावा कहा जाता है। तो गाइस, लगभग 90% अगर इसमें जो भी एग्रीगेट डाल रहे हो वो अप्रोक्सीमेट 90% एग्रीगेट पास हो जाना चाहिए और 4.75 mm की सीव पर आकर रुक जाना चाहिए, ऐसे मिलावे को मोटा मिलावा कहा जाता है, मतलब कोर्स एग्रीगेट कहा जाता है। तो गाइस, हमारा आज की जो टॉपिक है वो कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट के ऊपर थी। तो गाइस, आज इस वीडियो के माध्यम से आपने क्लियर हो गया होगा, जान लिया होगा कि कोर्स एग्रीगेट क्या है, फाइन एग्रीगेट क्या है, और जब हमारा एक ऑल इन वन होता है, मतलब यदि
हर तरह का रेशियो अगर दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो वो ऑल एग्रीगेट हो जाता है, मतलब उसमें हर चीज को मिक्स कर दिया जाता है। तो सबसे मेन जो है आपको साइट पे कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट को जानना बहुत जरूरी है। तो गाइज आज इस वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा कि कोर्स एग्रीगेट क्या है एंड फाइन एग्रीगेट क्या है। तो गाइज आज इसकी वीडियो को अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और ऐसी ही हमारी नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि नई से नई वीडियो और सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटिव आपको जो जानकारी है, जो नॉलेज है, वो आप तक पहुंचती रहे। तो गाइज थैंक यू।